हलचल टीवी न्यूज। प्रदेश में बढ़ रहे नशे के लिए श्रोमणी अकाली दल व प्रदेश की भाजपा सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हरियाणा के साथ लगते प्रदेश पंजाब में अकाली दल को भाजपा का समर्थन है, इसलिए ड्रग माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। ये बात हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर ने गांव बढ़ाई खेड़ा स्थित देवेंद्र बबली के निवास पर प्रेस वार्ता के दौरान कही। वे नववर्ष पर आयोजित मधुर मिलन समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तंवर ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर हमला बोलते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री पिछले लगभग 2 वर्षों से विदेश दौरे पर हैं, जिनकी औसत बनती है कि वो सप्ताह में 1 दिन प्रदेश में रहते हैं। अगर वो देश के लिए काला धन लाना चाहते हैं तो उन्हें इन दौरों की संख्या को और अधिक बढ़ा देना चाहिए, नहीं तो देश की समस्या को ध्यान में रखते हुए उनका हल निकालना चाहिए। इन आलों पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वह विपक्ष की भूमिका ना निभाकर भाजपा की बी टीम बनकर उनका साथ दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब जानती है कि लगभग 1.25 साल के भाजपा के शासनकाल में इन आलों ने कितने मुद्दे पर धरने प्रदर्शन किए हैं या फिर विधानसभा में आवाज उठाई है। तंवर ने कहा कि उनका सपना है कि वो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हों और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। आने वाले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस प्रदेश की तमाम 10 सीटें जीते और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। एक अजम्पशन है कि सारे अनपढ़ जो है वो करप्ट है, भ्रष्टाचारी है, बेवकूफ है या अज्ञानी है। ये जो उनकी अवधारणा है कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है और इसीलिए हम इसको चैलेंज कर रहे हैं। नशे को बढ़ावा श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में 12 सालों में प्रदेश में वहां पर दिया है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यहां पर सत्ता में आने के बाद उसमें भारी बढ़ोतरी हुई है। तो पूरा जो नेक्सस है ड्रग माफिया का वो काम कर रहा है और उसको संरक्षण सरकार दे रही है। और जो ये पीछे पूरा भवन, हम अपने साथियों से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई 1 दिन का मामला नहीं है। जहाँ सरकार को और पुलिस प्रशासन को प्रयास करना चाहिए वो करे, और हमारा काम है अवेयरनेस का और सरकार के ऊपर दबाव बनाने का। वो कांग्रेस पार्टी दबाव बनाएगी। सारी एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के समय में उन्होंने, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो चाहे वो प्रदेश की एजेंसीज हो, उनका दुरुपयोग किया है। अगर हम देखें तो हफ्ते में 1 दिन जो है वो प्रधानमंत्री जी का, जब से सरकार भारतीय जनता पार्टी के करीबन 2 साल होने को है, तो औसतन हफ्ते में वो बाहर रहे। टोहाना से हलचल टीवी के लिए सुशील कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।